हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं माया और हमारी रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आए हैं फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। व्रत वाले आलू बनाने के लिए यहाँ पर हमने चार आलू लिए हैं। इनको उबाल कर और इनका छिलका निकाल दिया है और अब हम इनको कट कर लेंगे। आलू को हमें छोटे छोटे पीसेस में कट करना है, तो हम इस तरह से आलू को कट करेंगे। इस तरह से हमने एक कट लगाया, दो कट हम और लगाएंगे इसमें, और अब इस तरह से हम छोटे छोटे पीस कट कर लेंगे। और आप देख सकते हैं हमने सारे आलू कट कर लिए हैं। तो अब हम इसके लिए आधा कप मूंगफली के दाने लेंगे, 2 बड़े चम्मच धनिया लेंगे, 4 हरी मिर्ची लेंगे। और अब हमने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें हम घी डालेंगे। घी को गर्म होने देंगे और सबसे पहले हम मूंगफली को फ्राई कर लेते हैं। फ्लेम को हमें मीडियम रखना है और इस तरह से हम इसको भून लेंगे। और आप देख सकते हैं मूंगफली का कलर चेंज हो गया है, तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और हमने सेम कढ़ाई ली है, अब इसमें हम आधा चम्मच जीरा डालेंगे। जीरे को थोड़ा सा हम भून लेंगे और इसमें कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। 1 चम्मच हमने कद्दूकस की हुई अदरक ली है, इसको भी हम फ्राई कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं हरी मिर्ची अदरक फ्राई हो गई है, तो अब हम आलू डाल देते हैं। आलू को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। यहाँ पर हम सेंधा नमक डाल रहे हैं क्योंकि हम व्रत के लिए आलू बना रहे हैं, तो सेंधा नमक यूज कर रहे हैं। और इसमें हम आधा नींबू का रस डालेंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हमने 1.5 चम्मच चीनी ली है, वो डाल देते हैं। चीनी ऑप्शनल है, अगर आप लाइक करते हैं तो डाल लीजिए, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। लेकिन चीनी डालने से बहुत ही बढ़िया इसका टेस्ट आता है, थोड़ा सा खट्टा मीठा होता है, बहुत टेस्टी लगती है। और मूंगफली के दाने हमने डाल दिए हैं। अब फाइनली इसमें हम धनिया पत्ती डालेंगे, आप इसमें काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप देख सकते हैं व्रत वाले आलू बनकर तैयार हैं, अब हम इनको एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। लीजिए, रेसिपी बनकर तैयार है, बहुत ही अच्छी रेसिपी बनी है। आप भी इसे बनाइए, खाइए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है। चलिए मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय।